वसुदेव सुतम देवम कंसा चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु 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 जगद्गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं, मैं परमात्मा प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं, मैं परमात्मा प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही केवल मेरे हैं, मैं केवल परमेश्वर का हूं और केवल परमेश्वर ही मेरे हैं, मैं केवल परमेश्वर का हूं और केवल परमेश्वर ही मेरे हैं, मैं केवल ईश्वर का हूं और केवल ईश्वर ही मेरे हैं, मैं केवल ईश्वर का हूं और केवल ईश्वर ही मेरे हैं, मैं सच्चिदानंदमय चिन्मय सच्चिदानंद हर प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं, मैं सच्चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंद धन प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। ओम भद्रकालाय नमः, ओम भद्रकालाय नमः, ओम भद्रकालाय नमः, ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः, ओम श्रीये नमः। श्री जी राजा रानी की जय हो, जय हो, जय हो। गाय गंगा गायत्री जल जंगल और जमीन इस तरह के मूल प्राण तत्व है, इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं परम परम आवश्यक है। प्रकृति जीव परमात्मा की सेवा यही लक्ष्य है, यही जीवन का लक्ष्य है। हम ब्रह्मऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री महात्मा अवध के संत अवधूत आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को परम प्रकाश को प्रणाम करते हैं, जो हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, कृपा हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, जय हो, जय हो, जय हो। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। सच्चित आनंदमय चिन्मय प्रभु सच्चिदानंद घन प्रभु को जानने का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष और मुक्ति का ज्ञान है। सच्चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो, सच्चित आनंदमय सच्चिदानंद चिन्मय प्रभु की जय हो, सच्चित आनंदमय सच्चिदानंद चिन्मय प्रभु की जय हो, सच्चित आनंदमय 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 चिन्मय प्रभु की जय हो, सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो, सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो, सच्चिदानंद प्रभु की जय हो, सच्चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो, सच्चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम
नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रभु की जय हो। 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 सच्चिदा सच्चिदा नंद घन स्व रूप प्रभु की जय हो। सच्चिदानंद 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 घन सच्चिदा सच्चिदा नंद घन स्वरूप प्रभु की जय हो। सच्चिदा नंद घन स्वरूप प्रभु की जय हो। जय हो जय हो। सत चित आनंद सत चित आनंद सत चित आनंद सच्चिदानंद धन। सत चित आनंद सच्चिदानंद धन। सत चित आनंद सच्चिदानंद नंद धन। स्वरूप प्रभु की जय हो। सत चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आसक्ति नराभिष्टोगम पुत्र दार ग्रहादिष्ट नित्यम चा समचित त्वमिष्टानिष्टोपातिषु। आसक्ति रहित तो होना पुत्र स्त्री घर आदि में एकता मत घनिष्ठ संबंध ना होना और अनुकूलता का प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। आसक्ति उत्पन्न होने वाली संसारिक वस्तु व्यक्ति घटना प्रस्थिति आदि में जो प्रियता है उसको शक्ति कहते हैं। उस शक्ति में रहित होने का नाम आसक्ति है। संसारिक वस्तुओं व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा से सुख की आशा से और सुख के भोग से ही मनुष्य की उनमें आसक्ति प्रियता होती है। कारण कि मनुष्य को संयोग के सिवाय सुख नहीं दिखता इसलिए उसको संयोग जन सुख प्रिय लगता है। परंतु वास्तविक सुख संयोग के वियोग से होता है। गीता के 6वें अध्याय में 23वां श्लोक। इसलिए साधक के लिए संसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। उपाय संयोग जन सुख आरंभ में तो अमृत की तरह दिखता है पर परिणाम में विषयों की तरह होता है। गीता 18वें अध्याय 28वां श्लोक। संयोग जन्य सुख भोगने वालों को परिणाम में दुख भोगना ही पड़ता है या नियम है। अतः संयोग जन्य सुख के परिणाम पर दृष्टि रखने में उसमें आसक्ति नहीं रहती। अन्विश्वण पुत्रादरग्रहस्तिसह पुत्र स्त्री घर धन जमीन पशु आदि के साथ माना हुआ जो घनिष्ठ संबंध है गाढ़ मोह है तदामय है मनी हुई एकता है जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है उसका नाम अभिस्वंग है अभिस्वंगम है। जैसे पुत्र के साथ माता की एक तमता रहने के कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है तब माता का शरीर कमजोर हो जाता है ऐसे ही पुत्र के स्त्री के मर जाने पर मनुष्य कहता है कि मैं मर गया। धन के चले जाने पर कहता है कि मैं मर गया आदि ऐसी एकता मता से रहित होने के लिए यहां अन भिष्टवंग पद आया है। उपाय जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध दिखे उनकी सेवा करे उनको सुख पहुंचाए पर उनसे सुख देने की उद्देश्य ना रखे। उद्देश्य तो उनसे अभिस्वंग सदामत्य दूर करने का ही रखे। अगर उनसे सेवा लेने का उद्देश्य रखेंगे तो उनसे सदामत्य हो जाएगा।
अगर उनसे सेवा लेने का उद्देश्य रखेंगे तो उनसे हृदयमय हो जाएगा। हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कभी उनसे सेवा लेनी भी पड़े तो उसमें राजी ना हो, क्योंकि राजी होने से अभिष्ट भंग हो जाएगा। तात्पर्य है कि किसी के भी साथ अपने को लिप्त ना करें, इस बात की बहुत सावधानी रखें। नित्यं चा समचित तवं मिष्टानिष्टोपास्तुतिस्सु। इस अर्थात मन के अनुकूल वस्तु व्यक्ति प्रस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर चित्त में राग हर्ष सुख आदि का विकार न हो, और अनिष्ट अर्थात मन के प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर चित्त में देश शोक दुख उद्वेग आदि विकार न हो। तात्पर्य है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर चित्त में निरंतर क्षमता रहे, चित्त में निरंतर क्षमता रहे, चित्त में निरंतर क्षमता रहे, चित्त पर उनका कोई असर ना पड़े। इसको भगवान ने सिद्धि स्थितियो समोभूतवा पद से भी कहा है। उपाय, मनुष्य को जो कुछ अनुकूल सामग्री मिली है उसको वह अपने लिए मानकर सुख भोगता है, या महान बाधक है। कारण कि संसार की सामग्री केवल संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिली है, अपने शरीर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। ऐसी ही मनुष्य को जो कुछ प्रतिकूल सामग्री मिली है वह दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, मतलब संयोग जन सुख का त्याग करने के लिए मनुष्य को संसारिक राग आसक्ति कामना ममता आदि से छुड़ाने के लिए ही मिली है। तात्पर्य है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां मनुष्य को सुख दुख से ऊंचा उठाकर उन दोनों से अतीत परमात्मा तत्व को प्राप्त कराने के लिए ही मिली है। ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक का चित्त इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में स्वतः सम रहेगा, सम रहेगा, स्वतः सम रहेगा। पुत्र स्त्री आदि के साथ यथोयोग्य बर्ताव करना, उनमें अपनापन न रखकर उनकी सेवा करना अभीष्ट वंग नहीं है, प्रत्युत या तो निरुक्तता असंगता है जो कि अमरता का अनुभव करने वाली है। ओ तत्वाय शिव शक्ति स्वरूपाय नमः शिवाय। ओम परम 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 तत्वाय शिव शक्ति स्वरूपाय नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री हरिहर नारायण प्रब्रह्म ब्रह्म तत्व श्री राम शरणम। ओम श्री हरिहर नारायण प्रब्रह्म ब्रह्म तत्व श्री राम शरणम। ओम श्री हरिहर नारायण वासुदेव प्रब्रह्म ब्रह्म तत्व श्री कृष्ण राम शरणम। ओम श्री हरिहर नारायण वासुदेव प्रब्रह्म ब्रह्म तत्व श्री राम कृष्ण शरणम। श्री हरिहर शरणम, श्री हरिहर शरणम। जय सनातंत्रम, जय सनातंत्रम, जय सनातंत्रम। गाय गंगा गायत्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है, इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए आवश्यक ही नहीं परम समूल विश्व के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। संपर्क करें, जुड़े राष्ट्रीय शोभमान क्रांति से जुड़े 9811-7947 9811-7947। संपर्क नंबर है, जुड़े राष्ट्र सेवा करें, सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करें, गाय गंगा यात्री जल जंगल और जमीन की सेवा करें, प्रकृति जीव परमात्मा की सेवा करें, इसको लक्ष्य बना लें और मोक्ष मुक्ति की ओर सच्ची सफलता की ओर आगे बढ़े। जय श्री राम।